और इसके लिए हम लोगों को लगभग 3,611.45 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, और उस योजना को अब हम लोग मुस्तैदी से करेंगे। पहले जो हल्का फल्का शिकायत आया करता था, जो पंचायती राज के द्वारा किया गया था, उसी को अब दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह फुल फ्लेजेज हम लोगों को मिल गया है और फंड भी अलॉट हो गया है। जो तीन साल के अंदर मिलेगा वो अलग से आंकड़ा है, हम आपको लिखित में दे देंगे। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि अब जो नल जल की शिकायत है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुँचे, वो हम लोग अविलंब पहुंचा पाएंगे, उस काम को हम लोग अविलंब दुरुस्त कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि 6 महीना के अंदर हम लोग सारा काम शुरू करा देंगे। 6 महीने में लोगों को पानी मिलने लगेगा। अविलंब हम लोग इसको निविदा का प्रक्रिया करने जा रहे हैं, एस्टिमेट बनेगा, निविदा का प्रक्रिया हो जाएगा, और उसके बाद हमारे सेक्रेटरी साहब, और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है हम लोग इसको काम शुरू करा करके हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में पानी पहुंचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ एक और है, जो पहले मिनी जलापूर्ति योजना हुआ करता था, जो सोलर सिस्टम से चलता था और कहीं कहीं बिजली से भी चलता था, तो उसमें भी गड़बड़ी आ गई, उसका मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो गया है। उसको भी नए सिरे से हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं, उसको जो माइनर रिपेयर है उसका माइनर रिपेयर करके, और उस योजना को भी हम लोग पूरी तरह 100% चालू करने वाले हैं। उसको भी चालू करके और जहां पानी मुहैया करने की आवश्यकता है हम लोग वहां पानी मुहैया कराएंगे। कहीं कोई कठिनाई अब नहीं रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है, विभाग के लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि 6 महीने 8 महीने में हर जगह पानी हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। उसका मैंने बताया आपको कि जो काम अभी तक छूटा है, जो काम नहीं हुआ है, उसका भी टेंडर में चला गया है, टेंडर में डे बाय डे जा रहा है। आप देखे हुइएगा, पिछले दिनों हम लोगों ने एक बार में 800 कुछ करोड़ का टेंडर रद्द किया, फिर 3600 करोड़ का टेंडर रद्द किया, तो वो सारा टेंडर प्रोसेस में है। 800 कुछ करोड़ का निकल चुका है, बाकी भी टेंडर में जा रहा है, कुछ और चला जाएगा। तो अविलंब जो भी छूटे हुए जगह हैं, तमाम छूटे हुए जगह को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, सबका टेंडर में जा रहा है। जैसे ही टेंडर का प्रक्रिया फाइनल होगा, काम शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अगले गर्मी में, जब अब तो गर्मी निकल रहा है, जब अगले गर्मी में जब पानी की क्राइसिस होगी, तो मुझे लगता है कि हर टोले मोहल्ले में पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। सर, बहुत से जगह पे जो गाँव में है मोटर जल जाता है, महीना महीना दिन रिपेयर नहीं होता है, गांव के लोगों से 30 रुपया प्रधान जो है वहां के चार्ज करते हैं, गांव के लोग देना नहीं चाहते, तो क्या मोटर जल जाएगा, ऐसी कुछ ये होगी तो हम लोग सारे सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं। जैसे मोटर जलेगा, जहां भी कोई गड़बड़ी होगी, अविलंब हम लोगों को सूचना मिलेगा, और सूचना मिलते ही हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर हर हाल में हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। एक और एक उसमें कार्य योजना बनाया गया है, स्पेयर मोटर का है ना, इसमें हम लोग जहाँ भी हमारा लगा हुआ संयंत्र, वहाँ हम लोग मोटर जलने की जो शिकायत है उसके दृष्टिकोण से स्पेयर मोटर वहाँ रखवाने जा रहे हैं। जैसे ही जलेगा तो दूसरा मोटर वहाँ स्पेयर रहेगा, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, फिर पहले वाले का रिपेयर करके उसको भी फिर वहाँ एक एडिशनल स्पेयर रखा रहेगा, ताकि अविलंब हम लोग बदल दें, पानी का समस्या ना हो। और कई जगह नए हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग इसको ऑटोमेटिक सिस्टम भी करने जा रहे हैं कि पानी अपने जाए, लाइन कटने की समस्या को दूर करते हुए हम लोग सोलर सिस्टम भी लगाने जाएंगे। आगे हम लोग जो पंचायती राज से आया है उसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग सोलर सिस्टम लगा दें। सोलर लग जाएगा तो ये लाइन कटने का, ट्रांसफार्मर जलने का, तार टूटने का ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि हम लोग सोलर सिस्टम को बढ़ावा दें, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोलर का भी हम लोग उपयोग करेंगे। मतलब कि नल जल में बहुत शिकायत आ रही है जगह जगह से, चाहे टेंडर को लेकर, रख रखाव को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर और गड़बड़ी को लेकर, इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, हम ये मानते हैं कि शिकायतें आते रही है, हम लोग भी पिछले 20 साल से विधायक हैं और ये समस्या सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे शिकायत को दूर करते हुए जितना जल्द से जल्द हो सकता है हम लोग सारा शिकायत दूर करेंगे। कहाँ शिकायत है हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जहाँ छोटी मोटी गड़बड़ी है सबको दुरुस्त करा देंगे। जो पंचायती राज का गड़बड़ी था वो अब हमारे हाथ में आ गया है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सकता है अविलंब इस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द ठीक करके सारे शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। कि
किस लेवल पे वार्डों में काम होगा, वार्ड सदस्य के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से? नहीं, अब किसी के माध्यम से काम नहीं होगा, विभाग अपने माध्यम से काम करेगी। पहले मुखिया के माध्यम से, पंचायती राज वाला जो अभी आया है, उन लोगों के माध्यम से काम हुआ था। हम लोग वार्ड सदस्य को मॉनिटरिंग जरूर उसका देने जा रहे हैं, वार्ड सदस्य ही उसको मॉनिटर करेंगे, वार्ड सदस्य ही जो नॉमिनल चार्जेज हैं वो वही असूल के जमा करेंगे, और उसका फिर कैसे बंटवारा होता है मैंने आपको दिया है लिख करके, तो वो सिस्टम वही रहेगा देख रेख का, लेकिन काम विभाग करेगी और बेहतर काम करके विभाग अपने हिसाब से मॉनिटर कराएगी, और चलाने का जिम्मा वार्ड सदस्य को रहेगा, जो पंचायती राज से आया वही लोग उसको मॉनिटर करेंगे, वही लोग चलवाएंगे। सवाल बहुत बड़ा है, टेंडर जो रद्द हुआ था, बहुत सारा टेंडर उसका क्या हुआ? वो सारा टेंडर निकल रहा है, डेविड अखबार में पर डे निकल रहा है टेंडर, लगभग 850 करोड़ का टेंडर निकल चुका है, बाकी प्रोसेस में है, सारा टेंडर निकल, जितना टेंडर रद्द हुआ है वो 10 दिन के अंदर सारा पब्लिश हो जाएगा, सारा रिलीज हो जाएगा। सर एक सवाल बहुत बड़ा और है कि जब पंचायती राज में जो टंकियां करीब 100 घरों में सप्लाई के लिए 18 लाख 19 लाख में लग जाती थी, आपका पीएचई डिपार्टमेंट उसी समय उसका 30 लाख का टेंडर निकालता था, इस पर क्या था? देखिए ये तो ऐसा नहीं है, हम तो ये जान रहे हैं कि हर जगह लगभग मिलता जुलता कॉस्ट है। सेक्रेटरी साहब, इसमें मुख्य रूप से जो प्राकलन मॉडल, प्राकलन तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ही बनाया गया था, इसमें दो मॉडल थे। एक मॉडल था जो कि पंचायती राज विभाग में था, जो कि सिर्फ उसको बनाना था, बनाने का कॉस्ट था जो आप बता रहे हैं 13 लाख 14 लाख रुपये का कॉस्ट आता था, 15 लाख आता था, उस मामले में 18 से 20 लाख भी थे। दूसरा मॉडल ये था जो कि स्पेशली क्वालिटी इफेक्टेड एरिया था, उसमें जो चूँकि पंचायती राज नॉन क्वालिटी थे तो उसमें WTP का कॉस्ट नहीं था, वो 5-7 लाख रुपये हो जाता है। दूसरा कॉस्ट क्या था कि उसमें 5 साल का मेंटेनेंस निहित नहीं था, जो हमारे एस्टिमेट में 5 साल का एस्टिमेट भी था, इसी के चलते वो 30 लाख। इतना का वेरिएशन नहीं हो सकता है, अलग अलग आप बताएंगे तो पता। योजनाएं हैं उसमें शिकायतें थोड़ी कम है, उसमें शिकायतें हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लोग हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर अभी भी, यदि कुछ होता है हमको शिकायतें आती है तो हम उसको तुरंत कम्युनिकेट करते हैं, 24 घंटा हमारा कंट्रोल रूम चलता है, तो वो हो जाता है, एक दिन डिले हो सकता है लेकिन वो हो जाता है, ऐसा नहीं मोटर महीनों महीनों जलावे, ऐसा ऐसी मामले नहीं है। मंत्री जी ने कहा मिनी जलापूर्ति योजनाओं की जो बात है, वास्तव में पाइप वाटर सप्लाई में समस्याएं थी जो कि बहुत सारे उसके संविदा रद्द हो गए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं हुआ, तो हम लोगों ने उसका अभियान चला के लगभग 600 ऐसी मिनी जलापूर्ति योजनाएं हैं जिसमें कुल राशि लगभग 125 करोड़ के आसपास होगा, एग्जैक्ट फिगर कभी हमारे पास नहीं है, वो हमने सैंक्शन कर दिया, उसका भी टेंडर हम लोग इस वीक निकल जाएगा। तो जो हम लोग लूप होल्स हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। पंचायती राज की वास्तव में चैलेंजेस थी, यदि आप लोग माननीय मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया, पंचायती राज की जो समस्याएं थी वो ये थी कि उनके जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर थे वो उतने क्वालिफाइड नहीं थे। दूसरी बात क्या थी कि जो उसको मॉनिटर करने वाला तकनीकी आदमी नहीं था, उसने काम जो किया वो इस स्तर का किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा पंचायती राज की जो योजनाओं में आया था कि जो हमारा मॉनिटरिंग की जो पॉलिसी थी, मेंटेनेंस पॉलिसी, ONM पॉलिसी 2021 में आई थी, जिसमें हम लोगों ने ये आपको इसमें दिया भी है कि कितने समय में बाध्यता है कि उसको हमको करना है, ये वहाँ नहीं था। बस एक मिनट, तो अब हमारे ये जो प्रोविजन हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मेंटेनेंस की जो समय सीमा है वो हूबहू हम लोग लागू करने जा रहे हैं पंचायती राज। क्लियर हो गया, हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग इस बार समय सीमा जो टेंडर का लंबा होता है 1.5 साल 2 साल का, उसको कम करेंगे, और साल भर के आसपास हमारा प्रयास रहेगा कि सारा जगह काम मतलब ख़त्म हो जाए, पानी चालू हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट गर्मी में हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पानी की किल्लत हो, तो अगले गर्मी में कहीं पानी की किल्लत नहीं होगी, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। मंत्री जी एक सवाल है, राजनीति जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मुख्यालय ने आदेश जारी किया है सुरक्षा को लेकर और मॉनिटरिंग को लेकर, क्या लगता है कुछ घुसपैठ की आशंका है बिहार सरकार इस पर?
देखिए लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होते रहता है पूरे देश में, खास करके बिहार में, बंगाल में, ये तो हमेशा चलते रहता है। तो इस पर विशेष नज़र रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से क्या क्या कुकांड हो रहा है, तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि पूरे दुनिया में जो लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरह से उपद्रवी कैसे लोगों को परेशान करते हैं, एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है। ये काफ़ी दुखद और चिंता का विषय है, पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और हिंदुस्तान इस पर लगातार काम करते रहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों को लेकर के दुनिया भर में अपना बात रखते रहते हैं। आज उनको शरण हम ही लोग दिए हैं, आज हिंदुस्तान में आकर के उनको शरण मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, तो हम समझते हैं दुनिया के लिए एक बड़ा नज़ीर साबित होगा। देखिए बिहार के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बिहार में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने मीटिंग किया, कई हमारे मंत्री ने भी मीटिंग किया है और पूरे प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई घुसपैठ ना करे। और खास करके हम बिहार से ज़्यादा बंगाल की हम लोग चिंता करते हैं कि बंगाल में ज़्यादा घुसपैठी घुसते रहते हैं, तो वहाँ भी ना घुसे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा यह पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता अवश्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के लेवल से इस पर जरूर कुछ न कुछ काम होगा, हमें विश्वास है।